भी हम ये बारादरी और नादरा बेगम के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। आज छुट्टी की वजह से जो पार्क है ये आज प्ले ग्राउंड बना हुआ है और लाहौरी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और आज धूप भी निकली हुई है फॉग के बाद, मौसम काफ़ी अच्छा है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद में हैं। ये बारादरी बुनियादी तौर पे शहजादी नादरा बेगम का मकबरा है। शहजादी नादरा बेगम का जो ताल्लुक है वो शाही ख़ानदान से था और ये शहजादा खुसरू की ये बेटी हैं और शहजादा दारा शिकोह की बेगम हैं। शहजादा दारा शिकोह जब अपनी सियासी चपलिश की बुनियाद पर औरंगज़ेब के लश्कर से बचता हुआ सिंध की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ही इनकी जो बेगम थी नादरा बेगम वो शदीद बीमार हुई और जब आखिरी वक्त था तो उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे मेरे मुर्शद हज़रत मियाँ मीर के कदमों में दफन किया जाए। तो उस वक्त जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 80 अफराद थे, उसने 70 अफराद अपनी बेगम की ख्वाहिश पूरा करने के लिए जनाजे के साथ लाहौर भेज दिए। ये पहले एक बाग था और बाग के साथ ये सारा जो हिस्सा है ये तालाब हुआ करता था और बारादरी उस तालाब के अंदर थी। ये एक रास्ता था जो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल अमृतसर या हिरन मीनार शेखुपुरा की तरह बना हुआ है, लेकिन अब चूँकि ना पानी है और ना ही वो रास्ता रहा तो ये बारादरी के अंदर कब्र है। और ये हमारे बिल्कुल सामने जो जगह नज़र आ रही है ये असल में नीचे तहखाना हुआ करता था जो कि बंद कर दिया गया। हाल ही में महकमा आर्कियोलॉजी ने अभी इसकी रिपेयरिंग किया और रिपेयरिंग करने के बाद इसको बंद कर दिया। इस वक्त हम गोरा कब्रिस्तान जो ब्रिटिश ग्रेवयार्ड धर्मपुरा में मौजूद है, बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है। यहाँ ब्रिटिश ने काफ़ी हुकूमत की इस खित्ते पे, जो उनके गोरे वफात पा गए उनको यहाँ मदफून किया गया और काफ़ी ये तारीखी कब्रिस्तान है। और हम देखते हैं, हमारे साथ रहिए, इसके इनके जो कब्रें हैं उनके ऊपर उनका आर्किटेक्चर और स्पेशल जो उनके ग्रेव के तख्तियाँ उनकी लगी हुई हैं उसके ऊपर उनका बड़ा जो खताती है या इस तरह की स्क्रिप्ट जो उनका है वो बड़ा स्पेशल है। उनकी हिस्ट्री और उनकी डिटेल जो कैप्शन हैं वो भी उन पर कंदा की गई हैं जो मार्बल पर। ये बड़ी तारीखी जगह है, आए हमारे साथ रहें, विज़िट करते हैं जी। ये सलमान साहब की मैं कहूँगा कि बड़ी काविश है, एक इंडिविजुअल होके इन्होंने यहाँ एक तारीखी असासे को महफूज किया। मेरे ख़्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी इस तरफ तवज्जो दे और ख़ास तौर पे जो हमारी मसीह बिरादरी है वो भी इस तरफ तवज्जो दे। ये इतना कदीम और इतना हिस्टोरिक कब्रिस्तान है और काफ़ी यहाँ पुरानी कब्रें हैं, इनको महफूज रखना चाहिए, कम अज़ कम मज़ीद तोड़ फोड़ से इसको बचाया जाए। ये सबसे मेरे ख्याल में पहली अव्वलीन हमारी तरजीह होनी चाहिए। लाहौरी जो मटके वाला चाय है ये वो है और वेरी वेरी टेस्टी।